आयोजक हैं पप्पू लोधी, भावी उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 18। इस खबर के प्रायोजक हैं वसीम अहमद सिद्दीकी, भावी उम्मीदवार, ग्राम प्रधान सराय छबीला। हम सब ने ठाना है गांव को स्मार्ट बनाना है, ग्राम सुनेहरा से। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मुशर्रत, पत्नी मोहम्मद इमरान, ग्राम प्रधान सुनेहरा से। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं और ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर चुके हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको मिले अपने ऑनलाइन मंगाए सामान की जगह साबुन की टिकिया। दरअसल थाना इंदिरापुरम पुलिस ने ऐसे ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन सामान मंगाने वालों को चूना लगाकर मंगाए सामान की जगह उसके बॉक्स में साबुन की टिकिया डालकर दे दिया करते थे। इंदिरापुरम थाने में लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग ऑनलाइन सामान की डिलीवरी के दौरान मंगाए गए सामान को बदल दिया करते थे और उसकी जगह साबुन की टिकिया, लकड़ी का टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा रख दिया करते थे। फिलहाल इन सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अब जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद से मोहम्मद आमिर की रिपोर्ट। मैम, फ्लिपकार्ट के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान मंगाए गए सामान को बदलकर उसकी जगह साबुन की टिक्की रख देते थे, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये अभी कुछ समय पहले हमें एक कंप्लेंट मिली थी। अभी मोबाइल कंपनी है, यहीं पे इनका वेयरहाउस है, उसमें जा सकते हैं। उनकी तरफ से उनके द्वारा जो माल पैकेज करके डिलीवरी कराया जा रहा है फ्लिपकार्ट के माध्यम से, उसमें उनको शिकायतें प्राप्त हो रही है कि मोबाइल की बजाय साबुन की टिक्की लोगों को मिली है, कुछ ग्राहकों को। इसके संबंध में जब पुलिस को उन्होंने सूचना दी तो उसमें पूरी घटना पंजीकृत कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और पूरी छानबीन के बाद में इसमें एक पूरा विरोध था जो सामने आया। इसमें डिलीवरी बॉयज जो थे, सीटेक्स ई कार्ट कंपनी है, उसके जितने भी पिकअप बॉयज थे बेसिकली, जो वेयरहाउस से सामान ले जा करके फ्लिपकार्ट के हब हाउस में पहुंचाते थे, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा था कि पैकेट्स को काट करके, उनकी सील तोड़ करके, उसमें से मोबाइल चोरी करके ये लोग उसमें साबुन की टिक्की से उसका वजन बराबर करके आगे सप्लाई कर रहे थे और ये मोबाइल को फिर ये फर्जी बिल बना करके लोगों को बेच देते थे। पिछले 2-3 महीने से इन्होंने ये काम जो था ये लोग कर रहे थे। वो बातचीत में भी, पूछताछ में भी सारी चीज़ें प्रकाश में आई हैं और अभी तक लगभग 50-60 मोबाइल ऐसे हैं जिन्होंने सूचना प्राप्त की है। उसमें से इस टीम ने जिसने काम किया था, कुछ मोबाइल भी बरामद किए हैं, साबुन की टिक्कियाँ भी मिली हैं, उनकी जो सील तोड़ करके जो टेप का इस्तेमाल करते थे वो भी है और फर्जी बिल भी इनके पास से। अब तक कितनी शिकायतें पुलिस के पास ऐसी दर्ज हैं जो इन्होंने इस तरीके का काम किया? देखिए, एक तो ये अभिरा की तरफ से ही है जिसमें पुलिस ने उससे काम किया है। इसके अलावा भी ऐसी कई शिकायतें हैं जिनमें ग्राहकों के माध्यम से वो शिकायतें की गई हैं, जिनमें उनको साबुन की टिक्की डिलीवर हुई मोबाइल के बजाय। कोई पर्टिकुलर एरिया था इनका जहाँ पर ये सब डिलीवर किया करते थे या फिर कोई पूरा समस्त गाजियाबाद? ये गाजियाबाद NCR स्पेशली जो एरिया है इनका काम। इस गैंग में कुल कितने सदस्य और कितने लोग अभी फरार हैं? एक अभियुक्त रोहित शर्मा जो अभी फिलहाल करा है, बाकी हैं शेष 7 अभियुक्त जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनका एक मास्टरमाइंड है शिवम शर्मा और चोटी, जो बेसिकली योजना बना करके अपने साथियों के माध्यम से और जो पिकअप बॉयज थे प्लस जो उनकी डिलीवरी वैन होती थी उसके भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उनका जो सुपरवाइजर था वो भी इस साजिश का पार्ट था और ये सभी गिरोह बना करके ये काम कर रहे हैं। हमें एक आखिरी सवाल, ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं, कितने पड़े हुए हैं? ये सभी देखिए अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। इसमें एक अभियुक्त है जो ड्राइवर का काम कर रहा था यहाँ पे, वो जिसको हथौड़ी का रहने वाला है उन्हें, तो बाकी हैं कुछ यहाँ नंदग्राम के रहने वाले हैं, कुछ बाबूधाम के हैं, कुछ दिल्ली के भी हैं। इसमें अलग अलग इनका प्रोफाइल क्या है? उनका प्रोफाइल है कि पहले से ही फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में डिलीवरी बॉयज के रूप में काम करते रहे हैं। दोनों ईच एंड एवरीथिंग, मतलब पूरे प्रोसेस का उनको पता है कि कैसे डिलीवरी, कैसे पिकअप होता है सामान, कैसे डिलीवरी होती है और बीच में कहाँ ये लोग किस तरह से चोरी करके ये सारी खरीद कर सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।